नमस्कार, मैं महागुरु गौरव। आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। इस सप्ताह में होली भी आ रही है, होली अष्टक लग चुके हैं। होली अष्टक से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें जो 8 दिन के होते हैं उनके बारे में मैंने बताया भी था कि इस टाइम में हमें क्या ख्याल और ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सारे शुभकामनाएं इस समय बंद हो जाते हैं। ये टाइम बेसिकली काइंड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डेथ, क्योंकि इस समय जो हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद को मारने का सोचा था वो 8 दिन पहले से योजना बन चुकी थी, तो उसी के एवज में ये होली अष्टक मनाए जाते हैं। होली पे और होलिका के दिन स्पेसिफिकली क्या क्या उपाय करने चाहिए, इनके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पिछला सप्ताह सभी जातकों के लिए अच्छा रहा होगा, आपने मेरे बताए हुए कुछ उपाय फॉलो भी किए होंगे। आने वाला सप्ताह डिफरेंट राशि के डिफरेंट जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के स्वामी है शनि, शुभ रत्न है नीलम, शुभ रुद्राक्ष है सातमुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है पश्चिम की दिशा। इस सप्ताह कार्य में भाग्य का सहयोग मिलेगा, व्यवसाय में लाभ मिलने के योग है। कार्य क्षेत्र में परिस्थितियां आपके अनुकूल दिखाई देती हैं। आपका प्रमोशन या आय में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। जो जातक नौकरी की तलाश में है उनको नई नौकरी मिलने की भी संभावना है। कार्य के सिलसिले में आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है। कानूनी मामलों में आपको सफलता प्राप्त होने की प्रबल उम्मीद है। सप्ताह विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए समय आगे की योजना बनाने के लिए भी शुभ है। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद रहेगा, घर में सुख शांति का वातावरण देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के लिए आज से सप्ताह सामान्य रहेगा, बीमार लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी रुचि बढ़ेगी। तो देखा जाए सप्ताह एवरेज से थोड़ा सा अबव सप्ताह है। सप्ताह को और अच्छा सप्ताह कैसे बना सकते हैं जानते थे कुछ उपाय। इस राशि के जातकों के लिए हनुमान जी को मंगलवार को लड्डू का भोग लगाना शुभकारी रहेगा। भगवान गणेश की नियमित रूप से पूजा करें, उनको दुर्वा घास और मोदक चढ़ाएं। श्री गणपति अथर्वशीर्ष स्तोत्र का पाठ करना शुभकारी होगा। काले कपड़े में धतूरे की जड़ को बांधकर गले हाथ में शनिवार के दिन बांधना शुभकारी रहेगा। मंगल और शनिवार को चमड़े लकड़ी की वस्तुएं या किसी भी प्रकार का तेल नहीं खरीदना है। दाढ़ी और बाल को नहीं कटाना है। किसी दुखी व्यक्ति के आंसू अपने हाथ से पूछना आपके लिए अच्छा रहेगा। पीपल के पेड़ के नीचे तिल्ली का तेल का दीपक जलाना आपके लिए शुभकारी होगा। नौकरवृद्धों और गरीबों का सम्मान करें, बंदरों की सेवा और केले के पेड़ में दूध चढ़ाएं आपके लिए शुभकारी रहेगा। कुत्तों की सेवा करें, गाय और बैल को दूध और चावल खिलाएं, अंधे लोगों को भोजन कराएं, शराब से और मांस मदिरा से दूर रहें, कुष्ठ रोगों की सेवा करें और शाम को खाने के पश्चात कुत्ते को रोटी देना और सुबह की शुरुआत माता के चरण स्पर्श से करना। ये उपाय इस राशि के जातक यदि करते हैं तो आने वाला सप्ताह एक अच्छा सप्ताह साबित होगा। जो रेगुलरली मैं कुछ उपाय बताता हूँ उसके अलावा, क्योंकि इस सप्ताह होली का दहन है जो 1 तारीख को है, जो होली का दहन है मैं हम इस सप्ताह कुछ उपाय, एक अचूक उपाय है एक, जो अगर वो इस सप्ताह आप करते हैं तो आपके लिए शुभकारी होगा। आपको करना क्या है कि यदि किसी को कोई रुके हुए काम हैं तो उसमें पीली सरसों लेनी है। घर के मेन गेट पर जाएं, घर से बाहर की तरफ देखें, घर परिवार का कोई दूसरा सदस्य घर के बाहर निकल के इन व्यक्ति की तरफ मुंह करें, अपने हाथ में पीली सरसों लेके एंड राइट क्लॉक मतलब क्लॉक वाइज आपको 9 बार पूरे शरीर से टच करते हुए, राइट पैर से, राइट हैंड से, सिर से, राइट और लेफ्ट पैर लेफ्ट हैंड की तरफ टच करते हुए आपको 9 बार उतार के उन पीली सरसों के दाने को विष मांगते हुए होलिका में डाल दें। यदि किसी को नज़र या टोक या फिर कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो यही सेम चीज़ 4 गोमती चक्र लेके उस व्यक्ति के सिर से उतार के उनको भी होलिका में आप पीली सरसों के साथ डाल दें। आपके बिगड़े हुए रुके हुए कामों को गति मिलेगी और जो भी अड़चने आ रही हैं उनसे आपको निजात मिलेगी। आने वाला सप्ताह और होली का क्योंकि त्यौहार है, ये सभी राशि के सभी जातकों के लिए शुभकारी मंगलमय साबित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, मैं महागुरु गौरव।